नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रवि। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज आप सीखेंगे एक्सेल शीट के बारे में, मैं आपको बताऊंगा। चलिए तो एक्सेल शीट ओपन कर लेता हूँ। ये आपके सामने एक्सेल शीट ओपन हो चुकी है। एक्सेल शीट में मैं एक्सेल शीट के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूँ। इसमें सारे ये जो दिख रहे पॉइंटर, माउस का पॉइंटर दिख रहा है, ये रो है, ये रो में से, और ये जो कॉलम की कॉलम है, इसमें सारे बहुत सारे कॉलम और रो ये शीट में उपलब्ध है। इसमें शीट में ये पहली वाली शीट है, ये दूसरी वाली शीट है, ये तीसरी वाली शीट है। आपको अगर और शीट चाहिए तो आप यहाँ से क्लिक करके और भी शीट क्रिएट कर सकते हैं। ये देखो, यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं और इसको हाइड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। चलिए तो दोस्तों, इसमें टैब दिए हुए, होम का टैब दिया हुआ है, इंसर्ट का दिया हुआ है, पेज का दिया हुआ है, ये फार्मूले का दिया हुआ है। इसके अंदर बहुत सारे टैब मौजूद है। ये होम का टैब है, इंसर्ट का है, इसमें और इसमें भी ये कट, पेस्ट, कॉपी, फॉन्ट के ऑप्शन, कलर्स के, वर्टेक्स, मार्जिन टेक्स्ट, डिटेक्ट, इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट, ये सभी टैब यहाँ पे मौजूद है। ये आप एक्सेल शीट में काम करने के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। मैंने भी ये शीट में बहुत सारे ऐप्स ब्लॉक के लिए बनाए हुए हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। यहाँ से पहले नाम लिख लेते हैं। देखो कि मैंने टेक्स्ट यहाँ पे डाल दिए। इसको थोड़ा मार्गेज कर लेते, ये मार्गेज हो गया। अभी ये टेक्स्ट का अपन फॉन्ट भी बढ़ा सकते हैं। फॉन्ट बढ़ाने के लिए यहाँ से क्लिक करके इतने सारे आपके सामने ऑप्शन खुल जाएंगे। इसमें से आप कौन सा भी चूज कर लो। बहुत सारे फॉन्ट दिए हुए हैं, यहाँ से मैं ये फॉन्ट ले लेता हूँ और इसको बड़ा भी कर सकते हैं। ये जो दिया हुआ है ये वाला टैब, यहाँ से क्लिक करके आप यहाँ बढ़ा सकते हैं। ये देखो, जितना चाहे आप उतना बढ़ा सकते हैं। फिलहाल मैं 20 का रखता हूँ इसको, और यहाँ से भी आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते, इसको कलर भी दे सकते हैं। ये कलर का ऑप्शन है यहाँ पे, यहाँ बहुत सारे कलर्स दिए हुए हैं। ये देखो, ये हरा दिया, बहुत सारा रेड, मैं रेड कलर दे देता, और इसको बैकग्राउंड भी आप दे सकते हैं। इसको थोड़ा जूम करके बड़ा कर देता पहले। ये जो को देखो, ये इसकी हाइट बढ़ा सकते, लेंथ बढ़ा सकते हैं कॉलम की। ये देखो, यहाँ से एक या के ड्रग हो जाता। ये जो पॉइंटर है, ये प्लस के, इसमें प्लस के जैसे दिखने लगेगा, और यहाँ से आप इसको बढ़ा सकते हैं, कॉलम को ये बढ़ा सकते हैं, और इसको आप घटा भी सकते हैं, जितना चाहे, जितनी साइज चाहिए अपने को यहाँ से बढ़ा सकते हैं। और इसको भी, इसकी लेंथ बढ़ाना है तो यहाँ से भी आप इसको बड़ा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, नीचे देखते, नीचे एक नीचे के सेल में लिख लेते डाटा। चलिए दोस्तों, ये आपके सामने टेक्स्ट बनाए हुए है, इसमें डाटा लिख दिया है, और इसको आप इसको पूरा सिलेक्ट करके इसको एक कॉलम को बॉर्डर आप दे सकते हैं। यहाँ पे जाके ये जो आपके सामने दिख रहे हैं, ये नीचे वाले बॉर्डर है, ये ऊपर वाले बॉर्डर है, ये एक साइड की है और ये एक साइड की है, ये चारों की चारों, ये साइड की, ऊपर की साइड की और नीचे लेफ्ट राइट की साइड में है। ये जो आपके सामने दिख रही है ये बॉर्डर, ये पूरी की पूरी आ जाएगी। इसमें भी मोर बॉर्डर है, और भी आप इसको कलर पिक्चर दे सकते हैं। इसके लिए
ये मोर बॉर्डर में जाएंगे और इसकी आप जो है लाइन, ये बॉर्डर की लाइन तो आप बड़ी भी कर सकते हैं। ये देखो ये डबल लाइन है, ये बड़ी वाली है, इसको ये छोटी वाली, इसमें इधर भी साइड है। अपन यहाँ से ऑटोमेटिक कलर है, यहाँ से बहुत सारे कलर्स है। यहाँ पे मैं यहाँ से रेड ले लेता हूँ, और ये जो है ये अगर बॉर्डर अपने को बॉर्डर नहीं चाहिए तो यहाँ से हम कर सकते हैं, और ये अपने को पूरी की पूरी बॉर्डर अगर चाहिए यहाँ से वहाँ तक तो ये कर सकते हैं, और अंदर की भी चाहिए तो यहाँ से ये कर सकते हैं। इसको ओके कर देने, ओके करने के बाद देखो बॉर्डर आ चुकी है ये पूरी की पूरी। अभी इसको ये फॉन्ट को, फॉन्ट कम हो गया, इसका फॉन्ट की साइज बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए पहले फॉन्ट ले लेते हैं, अब ये फॉन्ट एरियल में ले लेते हैं, एरियल ब्लैक में, मैंने एरियल ब्लैक में ले लिया है। और इसको ये फॉन्ट को अपन कलर भी दे सकते हैं। चलिए तो दोस्तों इसको कलर दे देते हैं, कलर भी आप कौन सा भी दे सकते हैं। ये देखो फिलहाल मैं ब्लैक ही कलर रखता हूँ इसको। इसको अभी ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं, ये लेफ्ट के, सेंटर के, राइट, इसको आप लेफ्ट में कर सकते हैं, सेंटर में कर सकते हैं, राइट में कर सकते हैं, जो भी चाहे आप इसको कर सकते हैं। चलिए दोस्तों इसको मैं फिलहाल सेंटर में, ये कॉलम में सेंटर में कर देता, और ये वाले कॉलम में इसमें करता। ये कॉलम की आप साइज भी बढ़ा सकते हैं, ये ड्रैग करके भी बढ़ा सकते हैं, ऐसी ऐसी ड्रैग करके भी बढ़ा सकती है, बढ़ा सकते हैं। और ये कॉलम का फॉन्ट भी बढ़ा सकते हैं आप। फॉन्ट बढ़ाने के लिए ये यहाँ से, ये 11 का फॉन्ट है इसके वाला, अपन यहाँ से भी फॉन्ट इसको बढ़ा सकते हैं। देखो अभी जो ये टेक्स्ट अपने को पूरे पूर नहीं दिख रहा है, ये अंदर में ये लाइन में दबा हुआ है, तो इसको क्या करते हैं, इसको ड्रग करके यहाँ से इधर लाते हैं इतना भी। बाद में आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये टेक्स्ट कैसे फिट बैठते हैं, आपको ये करने की जरूरत नहीं होगी, ड्रग करने की जरूरत नहीं होगी। चलिए चलिए दोस्तों इसको अपन राइट लेफ्ट में करते हैं, ऊपर नीचे भी है, इसको अपन ये वाले इसमें कर सकते हैं, देखो ये सेंटर में कर सकते हैं। चलिए दोस्तों ये अपने को फॉन्ट, ये फॉन्ट अपन बोल्ड भी कर सकते हैं, देखो बोल्ड भी कर सकते हैं, ये तिरछा भी कर सकते हैं इसको यहाँ से, अगर नहीं चाहिए तो यहाँ से फिर से एक बार क्लिक करिए, बाद में ऐसा हो गया, ये बोल्ड नहीं चाहिए तो बोल्ड भी हो जाए। चलिए तो इसको अपन ये कर देते हैं, और इसकी साइज थोड़ी बढ़ा देते हैं। चलिए दोस्तों अगर अपने को ये इस जो टेक्स्ट लिखे हुए, डाटा लिखा हुआ है यहाँ, इसको अगर अपने को अंडरलाइन करना है, ये टेक्स्ट को अगर अंडरलाइन करना है तो आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। यहाँ से ये व्यू दिख रहा है आपको, व्यू यहाँ से अंडरलाइन का ऑप्शन है, ये सिंगल वाली अंडरलाइन है, ये डबल वाली अंडर है। पहले अंडर सिंगल वाली दिखाता हूँ करके, ये देखो आ गई है। अभी इसको ये जो है ये डबल वाली है, ये देखो ये डबल वाली आ चुकी है। वैसे इसके वाला बैकग्राउंड भी आप अभी व्हाइट है, इसका वाला बैकग्राउंड कलर में बदल सकते हैं, इसको कलर दे सकते हैं जो भी चाहे आप, ब्लैक दे सकते हैं, रेड दे सकते हैं, येलो दे सकते हैं, ग्रीन दे सकते हैं, जो भी चाहे आप दे सकते हैं। फिलहाल मैं इसको येलो दे देता हूँ, और इसका भी कलर कर सकते हैं आप, पहले बताया मैंने आपको इसका भी कलर। चलिए दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगले वाले वीडियो में आपको ये टेक्स्ट वाक्य के इसमें बताऊंगा।
अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।